मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। आप यहां पर कोई शेतकरी भाई हैं जो शायद कापूस करते होंगे, आपने कापूस में एक बीज का नाम सुना होगा ना, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन पेटेंटेड सीड है और इसी तरह से हमारे देश के बाजार में आया। परिणाम क्या हुआ कि जो सामान्य रूप से कॉटन का बीज हमें मिलता था, अभी वो 10 पट, 15 पट, 20 पट, 25 पट, 30 पट महंगा हो गया बीटी कॉटन के नाम। और अब ये जो मल्टीनेशनल बीज बेचते हैं बीटी कॉटन का, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कॉटन के बीज में जंतु बहुत लगते हैं, कीट बहुत लगते हैं, हमने बीटी कॉटन ऐसा बीज बनाया जिसमें जंतु ही नहीं लगेगा, कीट ही नहीं लगेगा। मतलब उस बीज को इतना जहरीला कर दिया कि उसमें कोई जंतु और कीट नहीं आएगा। और वो जहरीला बीज जब आप खेत में डालेंगे और खेत में से उसका कॉटन उत्पन्न होगा और गलती से आपकी गाय और भैंस उस खेत में चली गई, तो वो तुरंत वहीं बैठ जाएगी और 2-3 दिन के बाद वो वहीं मर जाएगी, उठकर नहीं आ सकती। बीटी कॉटन के खेत में भैंस घुस गई, जिंदा वापस नहीं लौटी। बीटी कॉटन के खेत में अगर कोई गाय घुस गई, जिंदा वापस नहीं लौटी। बकरी घुस गई, जिंदा वापस नहीं लौटी। इतना खतरनाक, इतना जहरीला बीज ये बीटी कॉटन के नाम पर सारे देश में भेजा गया। शेतकरी को ये उल्लू बनाया, मूर्ख बनाया कि इससे उत्पन्न जास्ती मिलेगा, लेकिन शेतकरी को ये नहीं बताया कि जो उत्पन्न जास्ती मिलेगा वो जास्ती खर्चे के बाद मिलेगा। पहले कॉटन उत्पन्न करने का जो खर्चा आता था उससे खर्चा अब दुप्पट और 3 पट हो गया। तो खर्चा आपका दुप्पट और 3 पट करा दिया, फिर उसके बाद उत्पन्न थोड़ा जास्ती मिला तो आप उस तरह से घाटे में ही रहे, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें। और जो जो शेतकरी ने बीटी कॉटन लगाया आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, वो सब शेतकरी अभी रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। एक तो उनके जानवर बीमार हो रहे हैं, दूसरा उनके खेत की मिट्टी पहले से ज्यादा तकलीफ हो गई है। मराठी का एक शब्द इस्तेमाल करूं तो मिट्टी नापीक होना शुरू हो गई है। ये WTO के खतरे हैं और धोखे हैं हमारे देश में। अब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, कोई भी बीज लाएगी। अब एक अमेरिकन कंपनी आ रही है, वो बीटी कॉटन की तरह से बीटी ब्रिंजल लेके आ रही है, बीटी बैंगन, बैंगन को बीटी बना दिया। अब वो बैंगन बाजार में आएगा, आप शेतकरी अपने गांव में खेत में उसे लगाएंगे, माटी आपकी नापीक होगी और वो बैंगन आपने गलती से खा लिया भाजीपाले के रूप में, सब्जी के रूप में, तो आपका शरीर भी नापीक हो जाए। दुनिया के जिन देशों में बीटी ब्रिंजल को बैन किया गया, वहां के लोगों का कहना है और वैज्ञानिकों का कहना है कि जो जो देश में बीटी ब्रिंजल चला, नपुंसकता सबसे ज्यादा बढ़ी। लोगों ने जिसने भी खाया नपुंसकता बढ़ी। अब फिर बीटी टमाटर लाने की बात कर रहे हैं, फिर बीटी पटेटो बने, बीटी बटाटा लाने की बात कर रहे हैं। तो बीटी बना बनाकर सारे भाजीपाले को हिंदुस्तान में लाने की तैयारी बहुत सारे मल्टीनेशनल्स कर रहे हैं। तो एक तरफ शेतकरी समाज को तकलीफ, हमारी माटी को नापीक बनाने की साजिश या षड्यंत्र, और दूसरी तरफ खेत का जो उत्पन्न बढ़े उससे भी ज्यादा उसका खर्चा बढ़े, हमारे देश में ये चल रहा है। और एक छोटी सी आखिरी बात और कहता हूं कि WTO जब से आया 1995 से, तब से मैंने भाव देखना शुरू किया, एक एक साल का भाव मैंने इकट्ठा किया। WTO 1995 में 1 जनवरी से शुरू हुआ, हमारे देश में यूरिया और DAP का भाव बढ़ना शुरू हो गया WTO के बाद। 1995 के आंकड़े बताता हूं, 1994 दिसंबर तक हमारे देश में 50 किलो यूरिया था 70 रुपए का, 70 रुपीज पर बैग, 50 किलो का यूरिया का बैग 70 रुपए का। WTO आने के बाद हमारे देश की सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सब्सिडीज को कट करने का जो प्रयास किया शेतकरी समाज की, यूरिया DAP की सब्सिडीज भी कम हुई शेतकरी समाज के लिए, तो अब वही यूरिया 70 रुपए का जो 50 किलो था, अब 275 रुपए का 50 किलो है 2009 में। तो यूरिया का भाव बढ़ गया, कम से कम अगर आप 70 रुपए का 140 में लो 2 पट हो, और 70 रुपए का आप अगर 180 में लेते हो 3 पट हो गया, 70 रुपए का अगर आप 250, 260, 270 में लेते हो 4 पट, तो 4 पट यूरिया का भाव बढ़ा दिया सरकार ने WTO की कंडीशंस। फिर DAP का भाव उससे भी ज्यादा हो गया, DAP तो करीब 8 से 9 पट महंगा हो गया।
जब WTO लागू हुआ था हमारे देश में तो 1 लीटर डीजल था 17 रुपए 35 पैसे का, अब 1 लीटर डीजल है 35 रुपए का, माने डीजल का भाव दुप्पट हो गया WTO के आने के बाद। अब शेतकरी जो सबसे ज्यादा वापरता है वो यूरिया, दूसरे नंबर पर DAP, तीसरे नंबर पर डीजल। तो यूरिया DAP डीजल जो शेतकरी का सबसे जास्ती खर्चा है वही 4 पट 8 से 10 पट और दुप्पट महंगा हो, तो शेतकरी का खर्चा भी 4 पट 8 से 10 पट महंगा हो गया। खर्चा जास्ती हो गया, महंगा जास्ती हो गई खेती, यूरिया DAP महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो खेती का उत्पन्न खर्चा ज्यादा हो गया, लागत खर्च ज्यादा हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ती खेती वस्तुएं आने लगी। मैंने आपसे कहा WTO की कंडीशन पहले ऐसी थी, मैंने पहले WTO नहीं था तो बाहर से आने वाले शेत उत्पन्न पर हम टैक्स लगा के उसको महंगा बनाते थे, अब WTO की शर्तों के बाद बाहर से आने वाले खेती के उत्पन्न पर जास्ती टैक्स नहीं लगा सकते, वो जास्ती महंगा नहीं हो सकता, वो सस्ता आके बाजार में बिकता है। तो भारत के शेतकरी का शेत उत्पन्न महंगा और बाहर से आने वाले शेतकरी अमेरिका यूरोप के शेतकरी का शेत उत्पन्न सस्ता, तो सस्ता शेत उत्पन्न भारत के बाजार में आके ज़्यादा बिकेगा, तो शेतकरी अपने का उत्पन्न कम बिकेगा, तो वही उत्पन्न कम बिकने से खेती का जो लागत, खेती का जो विकास दर है जो WTO आने के पहले 4.8% था, अब वो विकास दर 4% से भी कम है, 2009 तक आते आते वो 3% रह जाएगा, माने शेतकरी समाज और ज़्यादा गरीब 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 और गरीब होता चला जाएगा। तो हमारी सरकार तो WTO की नीतियों में ऐसी फंसी है जो शेतकरी समाज को ज़्यादा गरीब बना रही है और शेतकरी समाज की तकलीफें ज़्यादा बढ़ा रही है।